18 वर्षों से पाकिस्तान की जेल में बंद रही हसीना बेगम भारत लौट आई है। आपको बता दें कि वह अपने पति के रिश्तेदारों से मिलने के लिए पाकिस्तान गई थी। इस दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके चलते जेल में 18 साल गुजारने पड़े। रिहा होने के बाद भारत आने पर उन्होंने राहत की सांस ली है। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि लगता है कि जैसे स्वर्ग में आ गई हूँ। बता दें कि बेगम ने पाकिस्तान में अदालत से आग्रह किया कि वह निर्दोष है, जिसके बाद अदालत ने मामले में जानकारी मांगी। औरंगाबाद पुलिस ने पाकिस्तान की सूचना भेजी कि बेगम के नाम पर औरंगाबाद में सिटी चौक थाना अंतर्गत एक घर रजिस्टर्ड है, जिसके बाद पाकिस्तान ने पिछले हफ्ते बेगम को रिहा कर दिया और उसे भारतीय अधिकारियों को सौंप दिया। आपको बता दें कि ये कहानी उस 65 साल की महिला की है, जिसकी शादी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के निवासी दिलशाद अहमद से हुई थी। हसीना बेगम साल 2002 में अपने पति के रिश्तेदार से मिलने लोहार गई थी, लेकिन पासपोर्ट खो जाने की वजह से ना तो हसीना बेगम को वहां पति के रिश्तेदार मिले और ना ही पाक के मुल्क में कोई सहारा मिला, जिसके बाद महिला को अपने जीवन के 18 साल पाकिस्तान की जेल में बिताने पड़े। अब कई साल बाद जब मामले को संज्ञान में लिया गया तो 18 साल बाद हसीना बेगम आखिरकार अपने वतन लौट आई है। बताते चले कि 18 साल पहले अपने पति के रिश्तेदार से मिलने के लिए पाकिस्तान गई थी 65 वर्षीय हसीना बेगम, अब भारत लौट आई है। वहां पासपोर्ट खो जाने के बाद हसीना बेगम 18 साल तक लाहौर की जेल में बंद थी। औरंगाबाद पुलिस ने इस मामले पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद वह अब भारत लौट आई है। यहां लौटने पर उनके रिश्तेदारों और औरंगाबाद पुलिस अधिकारियों ने हसीना बेगम का स्वागत किया। भारत आने पर बेगम ने कहा कि वह काफी मुश्किलों से गुजरी और अपने देश लौटने के बाद उन्हें शांति का एहसास हो रहा है। मुझे लग रहा है जैसे वह स्वर्ग में आ गई, मुझे पाकिस्तान में जबरदस्ती कैद कर लिया गया था। उन्होंने कहा कि वह रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए औरंगाबाद पुलिस को धन्यवाद देना चाहती है। यहाँ यह भी बताते चले कि बेगम के एक रिश्तेदार ख्वाजा जैनुद्दीन चिश्ती ने औरंगाबाद पुलिस को भी उनके देश वापस लाने में मदद के लिए धन्यवाद दिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार औरंगाबाद के सिटी चौक थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली राशिदपुरा इलाके की रहने वाली बेगम की शादी दिलशाद अहमद से हुई है, जो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का रहने वाला है। उन्होंने पाकिस्तान की अदालत से गुहार लगाई कि वह निर्दोष है, जिसके बाद अदालत ने मामले में जानकारी मांगी और उन्हें रिहा कर दिया। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। Banquets lie hai, incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Bank.